अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। बस यहाँ पे शाम का टाइम था, बड़े दोनों बच्चों को मैं भेज देती हूँ और ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, ये मेरे साथ किचन में आ जाता है, तो इसके साथ ना फिर टाइम स्पेंड हो जाता है। यहाँ पर मुझे बोर रहा था, मामा आप थक जाती हो ना, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ बर्तन धोने में। खैर, उसने जो है ना थोड़े से बर्तन वॉश किए, फिर मैंने उसको हटा के बाकी के बर्तन वॉश किए। और शाम के टाइम ना मैं आज कुकिंग कर रही हूँ। वैसे जब से समर स्टार्ट हुए हैं ना, मैं बस दिन के टाइम ही कर लेती हूँ, सुबह के टाइम, सुबह 8 बजे 9 बजे। पर आज जो है ना, बस कुछ इस तरह की रूटीन थी कि शाम के टाइम कुकिंग करनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ पास्ता और बच्चों के लिए, और साथ चने बना रही हूँ ब्लैक, और साथ वाइट चावल बनाऊँगी जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो पास्ते के लिए ना, सबसे पहले मैं एक चिकन बोनलेस करके उसको स्टीम करने के लिए रखती है। अब उसके अंदर मैंने कुछ प्याज ऐड किया, और उसके बाद ना एक लहसुन ऐड किया। अब इसको मैं दम लगा दूँगी। उसके बाद पास्ता भी साथ ही बॉईल कर रही थी और ये बॉईल हो रहा था, तो साथ साथ सारे काम कर रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी किचन में कि बिल्कुल खड़ा नहीं था यहाँ पे होने हो रहा। मैं वैसे भी थर्ड फ्लोर पे होती हूँ और यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है, तो मेरी कोशिश होती है सुबह के टाइम सारे काम ख़त्म कर लूँ, शाम के टाइम मैं जो है ना बहुत कम ही काम करूँ, स्पेशली किचन में। तो साथ साथ किचन साफ़ कर रही थी ताकि मैं जल्दी से ना यहाँ से निकलूँ जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो। मैंने पंखा लगा लिया था विंडो के ऑपोजिट साइड ताकि सारी हीट जो है ना बाहर निकले, और कुछ हद तक जो है ना फ़ायदा भी हुआ था, पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी ना, जिसकी वजह से कैमरा भी सेट नहीं था हो रहा। आजकल जूस इतना ज़्यादा बन रहा है ना कि जूसर मशीन को देखने नहीं होता, बस जब भी शेल्फ साफ़ करती हूँ ना तो साथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो। डेली बेसिस पे बच्चों की फेवरेट चीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर मेरी ट्राई रहती है कि ऐसी चीज़ बना लूँ जो बच्चे शौक से खा लें। तो यहाँ पे चिकन स्टीम हो चुका था, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़े से मसाले, जैसे नमक हो गया, लाल मिर्चें होगी, सूखी मेथी होगी, इस तरह की चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी। थोड़ा सा ज़ीरा मसाला ऐड किया था और इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। अब ना मैं इसके अंदर जो है ना ऑयल ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा था, साथ मेरी जो हांडी बन रही थी, और साथ ना अब मैं देखूंगी एक चूल्हा खाली हो जाए ना, फिर मैं उसके ऊपर चावल बॉईल करने के लिए रख दूंगी। मुझे एक कमेंट आया था कि थोड़ा सा आप करीब से आप ना वीडियो ना बनाया करें, थोड़ा सा दूर से बनाया करें, तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी कम मैं वीडियो में आऊँ ना उतना ही बेहतर है, पर बहुत कोशिश करती हूँ। फिर भी कुछ ऐसे शॉर्ट्स होते हैं ना जिनको अच्छे से कैप्चर करना पड़ता है। जैसे कितनी दफ़ा आपने देखा होगा ना, मैं किचन के बाहर कैमरा रख देती हूँ और फिर जो है ना अंदर कुछ काम कर रही होती हूँ, इस तरह से ना बहुत कम इस तरह मैं ट्राई करती हूँ, पर फिर भी कोशिश करूँगी ताकि मैं अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन या कोई और कमेंट करना है तो आप मुझे लाजमी बताना कमेंट में, मैं फिर आपको उसका आंसर लाजमी दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सॉस जो है ना आप मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैंने जस्ट सिंपली इसके अंदर डाल दिया था केचप, मायनीज, और उसके बाद सोया सॉस भी ऐड किया था। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल दूंगी जो कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गया था, मेरी नज़र नहीं पड़ी, बर्तन थोड़ा कम था मेरे हाल में इस वजह से, पर खैर इतना ज़्यादा भी नहीं बॉयल हुआ, बेहतर। इस टाइम बच्चे वापस आ जाते हैं ना, तो बस उनको मैं साथ ही बाहर बिठा लेती हूँ और साथ उनका होमवर्क वगैरह चेक करती रहती हूँ और साथ अपने काम जो है ना वो कंप्लीट करती हूँ। और शाम के टाइम वाकई कुकिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देने होता। तो खैर, आज मैं कर लूँ ना, कल से फिर मैं ट्राई करूँगी। अच्छा, जिप लॉक बैग जो है ना मैं वेस्ट नहीं करती, बस इनको यहाँ पर वॉश कर लेती हूँ, और मेरे पास ये थोड़ा सा डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर मैं इसको फैला देती हूँ ताकि ये थोड़ा सूख जाए अच्छे से, फिर मैं इसको दोबारा से पैक करके रख देती हूँ और मैं इसको वेस्ट नहीं करती, रीयूज़ करती रहती हूँ। यहाँ पे मेरे चावल जो है ना 20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भिगो के रख देती हूँ, बहुत मज़े के चावल बनते हैं बॉयल हो के, और अगर इसमें आप देसी घी ऐड कर देना तो इसका टेस्ट भी अलग सा हो जाएगा और एक हेल्दी भी हो जाएंगे ये चावल।
चावल में से जब अच्छे से पानी साफ हो जाता है ना, फिर ही मैं इसको छोड़ती हूँ और फिर जो है ना इसको मैं रख दूंगी। पानी बॉईल करने के लिए रखा था तो उसमें मैंने 3 टीस्पून जो है ना देसी घी के ऐड किए थे। और पानी इस तरह से मैं बॉईल करती हूँ कि पानी इसका मैं वेस्ट नहीं करती, कभी कभी कर देती हूँ पर ज़्यादा कोशिश यही होती है कि उसी पानी में बॉईल हो जाए चावल, क्योंकि फिर चावल का सारा असर खत्म हो जाता है जब हम उनको फेंक देते हैं। गर्मी में इतना खास दिल नहीं करता रोटी वगैरह खाने का, तो चावल अगर हो जाए ना तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े भी शौक से खा लेते हैं, पर शर्त ये होती है ना कि इसके साथ दही रायता हर चीज़ जो है ना वो लाजमी हो। तो बस अब ना मैं खाना नीचे ले जाऊंगी अम्मी अब्बू के पास, फिर हम सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे है ना हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, यहीं पे मैं जो बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी बच्चों को सुलाने के लिए। खैर उससे पहले बच्चे छोड़ूंगी अम्मी के पास, और आजकल ना मैं वॉक कर रही हूँ खाना खाने के बाद। बस ये थोड़ा सा पास्ता लूँगी मैं और 2-3 चमचे चावल के, और उसके बाद हम जाएंगे वॉक पे। मेरे हस्बैंड इस टाइम वॉक पे जाते हैं और तकरीबन आधा घंटा वॉक करते हैं। अच्छा उसके बाद वापस आए बच्चों को ऊपर ले आई थी और इनका हाथ मुंह धुला के, बड़ा बेटा जो है ना अम्मी के पास ही सोता है आजकल, तो बस उसको कपड़े चेंज करवा के नीचे सुलाई थी, और इनको जाना बस मुंह हाथ धुला के इनको मॉइस्चराइज़र लगा के फिर इनको मैं सुला दूंगी, और फिर मैं जो है ना अपने अल्लाह से कॉन्टेक्ट करूंगी और उनके साथ कनेक्ट रहूंगी, क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं ना तो बड़ा सुकून आता है नमाज़ पढ़ने का। सारा दिन बच्चे इस रूम में होते हैं ना और इन्हें इतनी तबाही मचाई होती है ना, तो बस इनका वेट कर रही थी कि ये सो जाएं, फिर एक ही दफ़ा मैं रूम साफ़ करूंगी और फिर जो है ना मैं भी सो जाऊंगी। तो बस इनको जो है ना रेडी वगैरह करके इनके कपड़े चेंज करके फिर मैं इनको लिटा दूंगी और फिर ये सो जाएंगे, और मैं जो है ना सुकून से नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज़ जो है ना वो सुकून से पढ़ी जाने वाली चीज़ है, अफरा तफरी में नहीं पढ़नी होती है। स्पेशली ईशा की नमाज़ होती है ना, वो तो एक मतलब लास्ट नमाज होती है 5 नमाज़ों में से, तो वो फिर बंदे का दिल करता है कि सुकून से पढ़ी जाए। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।